तुमसे हुए हैं कि उसका निरीक्षण कर रहे हैं कि वास्तव में एक चीज है क्या। उसका अंग्रेज विज्ञानी जो था निरीक्षण कर रहा था कि उसको पहचाना जाती है क्या। वो ब्राह्मणवाद को पहचानता था, विज्ञान उसको पहचाना था, विज्ञान उसको पकड़ने के लिए तैयार नहीं था, और जो उसका पकड़ना है वो पकड़ चुका है। हेलो भैया, इंदिरा जी दिल्ली में जरत रही लेकिन तू घरे बैठल देखत रह, विज्ञान हो पकड़ के तुम्हारे सामने रख ले हो, और कहत रहा कि किस जी छलिया रहा, वही भगवान के मंत्रो हुआ, वही भगवान के गद्दारो बनावत हुआ, समय के रहेगा लोगन मत हो जा, भगवान भर गद्दार रहे कि और क्यों गद्दार रह, गद्दारन के हम जानी ला तू न जानब, जितना चोर रह हमारे पल्ले है। अब भाई तू लोग चोरन के ना पैदा, तू लोग भाई चोर खुद है, करण की बलिया से चोरा के लिया भाई सरजवा मुआवा तारे गल को चोरा लेने हुई है गावत रह लिये, ये सब का यह काम है यार। औरत गाँव रहे तू औरत का कर चोरावत है, तुहरे का घटन रहा दिमाग से अपने कह जा चोरावत मत जा, कहीं बलिया के चोरा ली बा तो कहीं छपरा के चोरा लिए तो कहीं उनकर चोरा लिए, यह चोरी कर चोरी मत करा, देखा गद्दार कितना हुआ ओके हम बताओ सही कृष्ण को गद्दारी, कृष्ण गद्दारी कई नती से कह लगे तो मोनी रूप धारण कैली, तब जाके रण में उन सब गद्दारी कैली, कृष्ण गद्दारी कैले कृष्ण गद्दारी है कह गौरा पार्वती गद्दारी कैली, उन्हें कहा करे कि मोहनी रूप वहां धरे के जात रहा कि ओकरे सामने रण में मेहरारू मोहनी रूप धके जाते हैं, तो उस छला था कि कृष्ण जी छला था, यह पहचानत हुआ कि चोरी करत हुआ, पहचान देखिए मैं कह रहा हूं जरा सात लोग शांति दे कि आप के चोरौले हो, आए मुन्ना हल्ला ना हो, आए उल्टा अर्थ मत लगाओ, या दोनों चीज का पहचान था हमारे भारत का एक विज्ञानी था, वो एक चीज का पहचान करने लगा कि इसमें कितना बड़ा जहर है, उसका विज्ञानी विचार करने लगा, विचार करते करते तो कलम हाथ में लेकर लिखने शुरू किया, भैया वो सुनना नहीं लगा सका, मतलब कि कलम कागज पर नहीं पहुंचता है और एक सुई अपने जबान पर रखता है कि इसका टेस्ट हम विचार करें कि कितना इस चीज में कितना टेस्टिंग है, तब से सुनना नहीं लगा सका, अक्षर नहीं लगा सका, और तब तो इतना बड़ा जहर था कि मर गया, तो उसे कहता कि पहचान कर तो थी भगवान तो हार पहुंचे रहे, वो वैज्ञानिक पहचान कर रहा है, वो चीज को पकड़ा जा रहा है, धरा जा रहा है, जो कि अपने बाप को तुम पिपरे में बांध कर खिला रहे हो, उसको देख रहे हम कि क्या चीज इसमें है, तो गौर करने की बात है, जरा दास्तान सुना अपने पुराण का, सज्जनों करिए गौर विचार, सज्जनों करिए गौर विचार, रहना छोड़ो से होशियार, अपरंपार भरा यही गुण छोड़ो के, खाली कृष्ण को नहीं भरा था और पांच को भरा था, कौन पांच है, अपरंपार भरा यही गुण छोड़ो के। बहू जी हमारे विश्वनाथ जी कहे कि कृष्ण मुरारी जी श्री राम भगवान जी छलिया थे, मैं कह रहा हूं कि कृष्ण छलिया नहीं थे, छह छलिया थे, एक ही नहीं पांच, और कौन कौन है, आए छो की है कठोर कल्पना, अरे छो की है कठोर कल्पना, ब्राह्मण कन्या कभी अभी जा ही पादी छोर,
बुद्धि गिराई रखले हैं उनकर चोरी सुना। पहले पंडित जी जैसे हम सबे अपने हिंदुओं धर्म में महान मानते हैं, गाड़ी बढ़ा लीजिए भैया। लोग के दिलों पर कब्जा क्या किया है हमारे पंडित जी जैसे कहानी है कि ब्राह्मण ब्राह्मण हमारे भगवान हमने पंडित जी को सबसे बड़ा माने जा रहा हिंदू धर्म में लोग कहाला। उनका कि नहीं के हम पूछा के लिए कि हमारे लड़का बोल ओकर नाव रख दे तो कहना अरे यार तेरे लड़का खत्म मूर पड़ रहा बतावा रे राय ले गए तो अच्छा राय दे चाहे कि मूर पर आवत है तो कहो सड़ा पांच दे यार शंकर सड़ा पांच हमार भयाल तेरे मेहराू के लड़का बोले तो करने लगल है तो सड़ा पांच दे देनी मूर पुजाल सबो दे देली और नाव का रखे कथन जाके घुरहुआ रखे बताओ ये घुरहुआ संजतिया नाव मिले था सरा पान से लग गए सौरियाई में मूर पुजाल सबो लगल तिलक चढ़ल सबो लगल बिया भयल सबो लगल गवनी आल सबो लगल मर गए सबो लगल मरलो पर लगा चोरी रखले है। अब अभी तक कर्जा नहीं भरा हमारे राजा का कितना कर्जा ले है ससुर की आज तक ना भराया जब कुआर आई तो पिंडा पर आवे तो होला हम कौन कर्जा लगे हमारे ऊपर ये चोरी के देखा कृष्णा चोरी कर रहे हो तू खुदा पता है भाई लड़का सर का पैसा पंडित जी रोज नरा तो सड़क से आवल जाले तू वही बराबरी कर उनके जहाजी का लड़का सर का पैसा पंडित जाले रोजाना निखारते मुग्रमान नहीं भेल कि पंडित जी का कहना हमने के संगे ई तो करबे के लिए और रखे के लिए ऊ कोने समय में कृष्ण जी गद्दारी के लिए अपने राम का गद्दारी सुना कृष्ण जी का गद्दारी कह रहे आगे पदे राम का कहा छोड़ दे रहा भाव जी देखिए हमारे श्री भगवान जी का गद्दारी क्या कर रहे हैं आए आए कुपथ जिंदगी का भैया अरे कुपथ जिंदगी का उसे क्या करोगे कुपथ जिंदगी का उसे क्या तंबू कुथा लोग कहते थे कि छोड़
कोसी बरक का लड़का था, वो भगवान श्री रामचंद्र का तपस्या करता था रामावतारी में, जिससे उसके पैर में कुश और मदार जम गए थे और उसके तपस्या से आसन हिल रहा था और पृथ्वी गड़बड़ा रही थी, सभी को कांप गया था। ब्राह्मण अपने लड़का को भांग खिला दिया और जब ब्राह्मण का लड़का बेहोश में हो गया तो ब्राह्मण जाकर रामचंद्र से कहता है, अरे राम तुमने दशरथ के लड़के होकर गद्दी पर बैठा है और तले रहते रहते बाप जिंदा लड़का मर गया। भगवान जी कह रहे थे, प्रभु जी क्या गलती हुई, गुरु जी क्या गलती हुई, मुझसे कहा चल के देख ले, देखा तुम तो पंडित जी का लड़का मरल हो, हिलावत उलावत हुआ तो भांग के नशा में भूठा, कह देखिए मर गया सरकार, कैसे मर गया, अरे भगवान जी कैसे मर गया इसको बता दीजिए। भगवान जी चिल्ला रहे उनका पैर पकड़ के पंडित जी का और पंडित जी भगवान को डांट रहे हैं, तो कहते मरा कैसे, कह देख लो जो नीच तपस्या करता है किसी के पाप से मेरा लड़का मर गया, बताइए मैं भक्ति कर रहा हूँ हर पाप हो रहा हो। तो श्री रामचंद्र जी सोचे विचारे नहीं, तुरंत धनुष बाण उठाए और मार दिए शंभू का गला कटा गया। तेरे राम का कृष्ण से अच्छे थे, शंभू का गला काट लिए अपने हाथों से। गौर करने की बात है, जब शंभू कहा कि हमारी तेरा मैं भक्त थे लेकिन तू मेरे भक्ति पर ख्याल नहीं किया, एक ब्राह्मण के कहने पर मेरे गला को काट दिया। हाँ राम कहते हुए जमीन पर गिर पड़ा और भाई साहब तब से इधर भांगते की बात सुने बाबू जी, अरे जरा सुनो कौरे की गाथा, बुढ़ा हो या नौ कौन में का खूबी हो, दूध रख ले रहा बल्टी में ओहू में मुंह ला देंगे, मरल पशु है वहू के खोद देंगे, जियत पशु है वहू के खोद देंगे, बियाई गोरू गैया है ओहू के खोद देंगे, जाके सरवा बिहोरे बटोरे लगी है, इस कौन का हाल और का किया। अरे जा सुनो तो एक ही गाथा, बुढ़ा हो नाथो जिंदा सर के निवासी दस रुपये पुरस्कार किए, भगवान जी को मेरा बार बार नमस्कार है। कौआ कौन था जिसका नाम जयंत था, एक पुराण में लिखा है जयंत किसका लड़का था, इंद्र भगवान का, जेके काल आए इंद्र नमः सुहागा। और इंद्र कौन जात है, लोग कहते हैं ब्राह्मण, तो उनका लड़का जयंत जाके मात जानकी के सीने में चोट मारा, तब उनके सीने से खून बह लगल। अब बता वाले जयंता के अंतन आई खोदा के रह, तोरे भगवान के मेहरी के मार देने छाती नहीं बेजाय की है रह, किसने बेजाय की है रहे चोर लोग, छिपा छिपा रखे है का कर पालनाए है, जनता का बाप का कहना, उनका बाप का कहना, जिनकर नाम रहल इंद्र भगवान, वो जाकर के चंद्रमा से कहन की तू मुर्गा बना, हम गौतम के स्त्री संग संभोग करे और उन मुर्गा बनने पुराण कहला हम ना कही, तो उन जाके अपने गुरु आईना के संगे संभोग कर, ये पापी गद्दारों को शरम आनी चाहिए, जिसको आप इंद्र भगवान कहते हैं वो गौतम के घर जाकर अपने गुरु आईन के साथ बलात्कार किया, समझने की बात है, यह पुराण प्रमाण दे रहा है कृष्ण तेरे साथ क्या गद्दारी किया है, गद्दारों का नाम भूल तो नहीं गए हो विश्वनाथ जी को,
जरा याद कर लो कैसे अब के कर बात मिला था तभी लोग का तू तो मैं पानी में आगे लगा ले कहीं बलिया से का धुन झटक जमा था कहीं वहां से चोरा दे भाई अपन ले तोरे सबके तो दिमाग बाय ना कौन मेहरारू को सुन ले तो ओकर चोरा के लेके चल देबा काकी तो बाबू जी कैसे कभी लोग का कहा हाल बात आए आए इनका तो की चढ़ली जवानी मोरी मिट्टी में मिलावा था मुआवा था तेजिया सोए ना बलमुआ तुम्हार जवान किए हो अरे यार ये सब अनुबंध है घावा खाए मर दे अब बतावा इन कर दू रहा बहु जी जब ये मेहरुआ कहर बाय कि अपने कौनो सखीन से कह लगे तो समझाओ था सुन सुन घबरो मत तोर भरमुआ सर सावत नहीं हो तो के अरे उठा अनसाना जा था कहत भाई तोर मचाने पर सुतावत बारह पाटों पर डुबली के बाबूजी उस समझावत था कि तुहार मिट्टी में जवानी ना मिलाओ तो तुहार बलमा ए वक्त का करत हो अरे अरे चढ़ाली जवानी तोर जौन बलमा हो गिनावत हो मिट्टी में मिलावत नहीं हो सजावत हो देखा बचू ऐसे उल्टवारा होला अरे चढ़ली जवानिया दंड मार के तुहा सुतही लगल हा जब जिला जिला लड़ा जाए के होता तू लड़बू दंड मारा था गिनावा था कल घरे लेके मेहरारू है ऊ बाहर का पट्टा है आसन मिट्टी में सजावा था पहलवानी दंड मार के बलमुआ तोर गिनावा था इन्हनी के तो सुतही सुतही रोज जन है सब है दूल है चाहता नाव के ऊपर हो ना दे बाबू जी तो बात मिलल सभी लोग का कैसे है अरे चाचा झूठे में मिला कवियों का बताना चाचा झूठा में मिला सीदास निकले हुए पुराण में ढोल गवार सूद्र पशु नारी एक बतारण के अधिकारी गवार माने जे बेचारा गांव से न निकलल हो ओहू के मारे के चाहिए ढोल गवार ढोल बच्चा हो गवार माने गांव का सीधा आदमी सूद्र माने जैसे कि नीच बरग हो गए ना नीचल के मारे के चाहिए ढोल गवार शूद्र पशु जौन पशु है बदमाश हो गई भाई उन्हें नाथे के चाहिए और घरे में घोड़ा पहरा देवे के चाहिए कि जौन हर हर भागे न शूद्र गवार पशु नारी पशु में ऊ हो गए नी नारी में मेहरारू हो गए नी तो कदुआ सब नारी के लिख देखे हुआ जौन मेहरारू गलती करे ओहू के जौन न गलती करे तेहू के उन हाथी का लड़का रहू अपने मौसियों के लिखा था वहां तुलसीदास अंधेर नहीं करत है कन्हैया जी अंधेर करत है वहां तुलसीदास जमन हरे उनका मेहरारू चल गई नहीं हरे रात जब चलन तो पानी बरसत रहे और खनन कार यार हमारे मेहरारू बा कहां गई हो
खोजत खोजत नदी में जाता तो मुर्दा पकड़ ले, मुर्दा से पार हो गई जात हुए और भरे के आरी आरी घूमत हुए। तो तू ही बतावा कि जवन बकरी दू तल्ला है और उनमें सांप गोला में लुपेटा रहा तो कितना बड़ा सांप रह जवन की दू तल्ला बकरी में नीचे तक को न पकड़े भरे के लटकल है। दौड़ कर लीजिए आप लोग कि करी लोग का बात है, हम लोग को मिट्टी में मिला दिया, हम लोग को एकदम बर्बाद कर दिया इन लोग। उनकी मेहरारू जो थी भाई साहब दूसरे के साथ फंसी थी, रस्सी लटका के रख ले रहा और जब उनका मेहरारू या नैहरे से गई तो रस्सी खोल दे तो वही से खिड़की से उनका यार पकड़ के उसी पर चढ़ता था। जब वह रस्सी पकड़ के उनका आर टूटल लाल उनके मेहरारू का तो तुलसियों का वह रस्सी पकड़ के चढ़ हुआ तो वहां दोहरा घर रहा था। कहा ये कमाने रे कहूंगे बीबी ले कहा से आयल। तो बाबू जी वह जब वहां से देख ले कि हमारे मेहरारू दूसरे के साथ फसल है और ना ही तो न पति अंतर हो तो दू तल्ला पर तू सरफ बांधा और लेकिन मुहा के बांधा भवान आई तो जियत रही तो नकरा काट ले और ना ही सार के कारण दस टुकड़ा चुसरी कैसे उन धाय के जात रहो सरफ बोलत रहा गोहिया चपनल सांप ना ही चपनतन, गोला ढके गोहिया चपनल सांप ना चपनतन। इस पर्दा डाले गई है तब वह तुलसीदास लिखत हुआ कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारल के लिखत जाए हमारे मेहरारू के तारिका बच्चे हमारे मेहरारू को हर का बिगड़ ले हो हमारे मेहरारू को तू तारना थे वाला के हुए यार घने के दिया था अब रम्मा लाल भाऊ जी अब तक दिमाग खराब हो गया इतना बड़ा है ना कुरवन के छिपा के पत्था खाली कृष्ण के देखा दूंगा गद्दारी खाली कृष्ण के रखूंगा अरे पक्ष चोर पड़ा रहूंगा गहरे गहरे में सब। अब बाबू छेरन का बात आ गई आए आए हाँ अब हो गए मतलब ब्राह्मण लोग गुरु लोग कौआ और कवि अब चौथा नंबर आ गए छिनरन छिनरन के बाद अरे जैसे ब्रह्मा दे छिनरन के सुनबा जैसे ब्रह्मा दे अपने ब्रह्मा कहाल रहल विष्णु पुराण रखल जैसे ब्रह्मा के भिखारी अरे नादान अपने बहिनी के थोड़ा ना दाई के अपने बहिनी के बहन खाना लेकर अपने भैया के गई कलिन भैया खाना खाएला ब्रह्मा जी पलंग पर रहो चाहे भूमि रहो हम देखले नहीं भाई अब उनका कहा हरा आवा अरे वो कहा था भैया खाने खाए के लिए आई भाई कहा हरा आवा ब्रह्मा हो ब्रह्मा हमार सब कर कहल कहाई ब्रह्मा जी देखे कह जरा और बराबर हूं और एक कहते रहने ना कि पियर धोती का मुंह में मघैया पान अयो दादा गोरकी पतरकी मारा अब ये अंधेरे से हम का कहीं इस सब चोर गावत हुए चोरवा सब कहीं ओकर चोरा रही है कहीं ओकर चोरा रही है चोरा वो कर नहीं थी होके देखी कि ठीक हाथ लगल हो कि गलत तो नहीं लगल इो ना पहचान हुआ चोटली आवे नहीं जो छूट जाला तो छूट जाला ओके होए के कैसे चाहिए आए पियारे धोती आए पियारे धोती अरे पियारे धोती अरे मखमल का चोली
अरे मुंह में मघैया पाल आई हो दादा, आई हो दादा, बीती जवानिया मारे जा, आई हो दादा, बीती जवानिया मारे जा, आई हो दादा, लड़की जौन पतरकी तो नानो कह तो तुहार जान मारा ना केहू कहो जब जवानी चढ़ जाई तो खराब रही तब वो अच्छा लगी। बोरकी पतरकी मारे जान, अब जे बोर पत्थर हो तबे जान मारे तो चाहे मेहरारू हो चाहे वही लगत यार भैरन है बाबू जी तन से पास करा भैया। हाँ हाँ रिया लगत बाबू जी कैसे आए जैसे ब्रह्मा रे भी प्यारी अरे नादा नमः परे भाई के होरा ना गाई थी के सतरा बड़े भाई ओ गुण गावत हो आप लोग देखने होगा सबकर मंदिर बनल हो सबकर मूर्ति बनल हो सबकर पूजा होला लेकिन ब्रह्मा का कहीं मूर्ति और पूजा है आप लोग वो अपने बहन के साथ बलात्कार किया है इससे उसका पूजा होता नहीं है। पुराण से प्रमाण मिलता है और चोरन का बात सुना हरे करारा में है ना तो वह कृष्ण लौका तान खाली भाजी के बने पहले पहले चोरवा के मिले अरे जरा हो हवरिया सुनबा बाबू चोरन का अरे जरा हो हवरिया सुनबा बाबू चोरन चोरावा हमें राम जैसे पहले हो गिना चोरावा हमें राम जैसे पहले राम के चोरी हमार प्रमाण के साथ नहीं आप लोग पुराण ले रही है गलती हुई तो हम सवेरे लिख के कुल देखी है गलत हुई तो हम जूता खा के जा पैसा लेके इतने जनता में कह रहे हैं अरे चोरा भाई में राम जैसे पहले हो जाके बाली बाधा राम पहले चोरिया रामचंद्र जी साफ तारे के आड़े से बाली को बध कर देंगे अपने मेहरारू बदे उनको मेहरारू हरा गई तो दोनों भाई जब लड़ा लग गए तो श्री रामचंद्र जी सुग्रीव के माला पहना दे और बारी के साथ पेड़े के आड़े से मार दे रहे अरे चोरा भाई में राम जैसे पहले जाके बाली बाधा राम कही रहे चोरी चोरा भाई में भीड़ हनुमान हो चोरा भाई में भीड़ हनुमान हो कहा कही रहे जाके एक दिन बार लाए सुना लंका वाते एक दिन ने रावण खंभा में रखा था जाकर मंदोदरी से चोरी से पूछ कर हनुमान जी छल करके और चोरी करके एक दिन बार लेकर के भाग आए मन से दूर तो समन वहां कहा लड़वन का तरह सेल दे था लड़ा वाला रावण रावण से तो लड़क के चाह लोग घर में सेल पात्र थे राम हुआ लड़ा मुकाबले में
31 बार चेन देकर खंभा फाड़ कर हनुमान जी चुरा करके लेके आए हैं। 10 से जो था सिर में लगा, 20 से भुजा में लगा, 1 से उसके हृदय में लगा। अरे 31 बार चूना जबकि लाए हो चोरा, वही बनवा के लाके दिए प्रभु जी के, जौने बनवे से गैला राय हो मरा। चोरावन में रहना सुना कृष्ण जी का, दुर्योधन भिन्ना रहला दादा, अपने हाथ से अपने बेटे का सर को कतल कर दिया। ये परीक्षा में आया लेकिन फिर ही तुम्हारी दिन पर भी गए। अरे बच्चों का हुआ परिवार, अरे राम दियावन का पूरी भरी नहीं।